हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज नंबर 292। तो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कल का पोल। तो कल का पोल था कि क्या भाई विच बॉक्स यू रिकमेंड, वो थिक बॉक्स जिसमें हमें चार्जर मिलता है या वो पतला सा बॉक्स जिसमें चार्जर नहीं होता। तो हमें नियर अबाउट 6100 वोट्स आए हैं जिसमें 96% कह रहे हैं थिक बॉक्स विद चार्जर। और ये कौन से 4% लोग कौन से प्लेनेट से आए हैं जो कह रहे हैं कि भाई थिन बॉक्स चाहिए विदाउट चार्जर क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, इनको तो मैं खोपचे में लेके जाके ना अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। बस ये मिल जाए मुझे एक बार। चलो, सबकी अपनी पसंद। मैं तो भाई चार्जर के साथ रहना चाहता हूँ, सुकून वाली ज़िंदगी। कान 2000 के 1500 रुपये के नए चार्जर खरीदता फिरेगा, और मुझ जैसा गरीब आपको पता ही है। चलो, सबकी अपनी मर्जी। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया लेट नाइट टेक न्यूज़। सॉरी फॉर लेट नाइट। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो भाई 4G, जी हाँ, आज हमारा रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। तो इसी मौके पे आज हमारे देश की गेम लॉन्च हुई है 4G। मैंने भी खेली थी 25 मिनट गेम, और गेम कैसी थी, बस थी। इतना हाइप किया इन्होंने भी सैमसंग की तरह, थोड़ा वो किया इंडिया चाइना का यूज़ किया, गेम बनाई। एक हमारे सरदार जी हैं जो दे धड़ाधड़ घूसे लाते मुक्के मार रहे हैं सब चीनों को, और आगे बढ़ी जा रहे हैं। 25 मिनट में आपने ख़त्म करनी है, मैंने खेली थी, मतलब बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। वैसे मुझे बढ़िया लगी, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर एक ही बंदा है वो मारी जा रहा है मुक्के घुसन लाते डंडे कुल्हाड़ी बांसे क्या जो भी मार रहा है, मार के आगे बढ़ी जा रहा है। 25 मिनट में आपकी पूरी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आप फिर से शुरू कर लो। बाकी इसके 2-3 और मोड्स हैं, वो देखते हैं कब तक आएंगे। मगर सो लगी, पबजी से बिल्कुल भी नहीं मिलती अभी तक, तो जो इनका कैंपेन है, बाकी देखते हैं आगे पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रेडमी बुक, जी हाँ, मेरा लैपटॉप भी रेडमी बुक का है। ये मैंने 1-1.5 साल पहले लिया था चाइना से। तो भाई इसका एक नया लैपटॉप आ रहा है Redmi Book Pro, जिसके अंदर कैमरा होगा। यहाँ पर होते हैं कैमरे। तो मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है, मुझे लेजुन को फ़ोन करना पड़ेगा, हे लौबान ये तो गलत बात है, कंपनसेट मुझे कर दो। क्योंकि भाई मेरे पास अगर कोई वेब कैम से बात करना चाहता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे अपना रियलमी का X7 यूज़ करना पड़ता है वीडियो कॉल के लिए। तो भाई बहुत नाइंसाफ़ी की थी मेरे साथ, और मैं भोला भाला बंदा फंस गया रेडमी बुक के चक्कर में विदाउट कैमरा। चलो, अब मेरे को लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। अच्छा लैपटॉप हुआ रेडमी बुक प्रो, तो रिव्यू के साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो OnePlus 9, जी हाँ, OnePlus 9 की काफ़ी देर से लीक्स आ रही हैं। आज हमारे मैक्स जे जी ने कहा है कि इसमें नहीं होगा। तो बहुत लोग जो सोच रहे थे कि OnePlus 9 में या OnePlus 9 Pro में आएगा, तो नहीं आएगा, तो मत सोचिए। साथ में XDA डेवलपर्स ने कुछ और फीचर्स बताए हैं, जैसे इसमें मिलेगा मून मोड। जी हाँ, आप चांद को देख सकते हो। कोई बंदे ने अगर ज़मीन ले ली है या नहीं ली, मुझे नहीं समझ आता इस मोड का। आप मैंने मीट एंड अल्ट्रा में यूज़ किया था, Huawei Mate 40 RS उसमें भी किया था, Mi 11 में भी आया था, मगर वो इतना खास नहीं था। और इसके बाद एक स्टार बर्स्ट मोड, हम मून से भी आगे स्टार तक जा सकते हो। तो अगर आपका मन है एक लेने का और टेलीस्कोप नहीं है, तो ये इन फोन्स का शायद आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कोई एलियन दिख जाए शायद, कोई मिल गया की तरह। और चलो, और इसमें होगा फोकस पीकिंग मोड और हाइपर लैप्स मोड, तो ऐसे काफ़ी मोड्स आएंगे, और टिल्ट शिफ्ट फोकस, काफ़ी कुछ आएगा। मगर पेरिस्कोपी लेंस काफ़ी लोग उम्मीद करते हैं, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो iPhone SE Plus, जी हाँ, कल ही मैंने बताया था iPhone SE Plus अप्रैल तक आने की चांसेस हैं। अब कह रहे हैं इसकी कुछ स्पेक्स लीक्स हुई है, 6.1 इंच की IPS LCD स्क्रीन होगी, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। ठीक है, वही सस्ता सा Bionic A14 या A13 के साथ दे देंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड। नेक्स्ट न्यूज़ एप्पल की आ रही है कि एप्पल का एक पेटेंट सामने आया है US में, जो है पेटेंट फोल्डेबल फ़ोन का, जी हाँ, और इसमें इंटीग्रेटेड कैमरास भी होंगे। देखने में बढ़िया लग रहा है, मगर एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन बहुत ही महंगा होगा। अगर ये सैमसंग जैसे 1.5-1.5 लाख लेते हैं, तो एप्पल तो 2.5-3-4 लाख, पता नहीं कितने लेगा। तो सोच के ही मेरा दिल बाहर आने को करता है, तो इसलिए मैं नहीं सोच रहा इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो मोटरोला, जी हाँ, Motorola HS ने आज किया है धमाका चाइना में, लॉन्च कर दिया Snapdragon 870 वाला चिपसेट अपने फ़ोन में। पहला फ़ोन ये बन गया है, और इसकी प्राइस बहुत अग्रेसिव है, 1999 yuan।
एक ना ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने, मतलब 2000 युआन का ये फ़ोन है जो बनता है 23,000 के पास, और 23,000 में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इस फ़ोन में कुछ खास नहीं, 5000 mAh की बैटरी है, कैमरा देखा जाए 64+16+2+ TOF कैमरा फ्रंट, 16+8 IPS LCD स्क्रीन दी है, वो मुझे समझ नहीं आता, वो भी 90 हर्ट्ज के साथ, लोग 120 देते हैं, ये 90 भी आगे। और मैंने सोचा चलो इसको बुक कराते हैं, प्रोसेसर हम रिव्यू कर सकेंगे कैसा है 870, क्योंकि 865 से कह रहे हैं थोड़ा अपर है और 888 से थोड़ा लोअर है। तो जब मैं बुक करने गया तो जो इसका बेस वेरिएंट है 6GB रैम वाला जो 2000 युआन का है वो तो सेल में दिख ही नहीं रहा। जो अगला वेरिएंट है 8GB वाला जो 2400 का है, मतलब 4500 रुपये आप उससे ऊपर ले रहे हो, उससे 4500 से ऊपर ले रहे हो, सिर्फ 2GB रैम इंक्रीज़ की है, वो वाला वेरिएंट सेल में मिल रहा है। तो ये क्या बकचोदी फैलाई हुई है कंपनीज ने, पहले नॉर्ड ने शुरू किया, फिर मीट एंड आई आया, अब ये मोटरोलाइज, मतलब अगर आपने बस एक नाम का सस्ता फ़ोन करने के लिए निकाल देते हैं, वो फ़ोन सेल में कभी आता ही नहीं है। रियली फेड अप। क्या आज का पोल भी हम इसी बेस पर रखेंगे, मेरे को बहुत ही गुस्सा आया था क्योंकि मैं खर्च रहा था अपने 23,000 नहीं ज़्यादा ही लग रहे थे मेरे यहाँ इम्पोर्ट होने में, तो खर्च रहा था वो पैसे कि चलो अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू करूँगा, काफ़ी खुश था, मगर इन्होंने निराश किया। तो आप भी अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरी तरह निकाल सकते हो। तो आज का पोल है, क्या एक कंपनी गिमिक कर रही है आजकल कि अपना फ़ोन सस्ता करने के लिए एक लोअर वेरियंट नाम दे देती है मगर वो सेल में नहीं आता? क्या किसी ने नोट का 6GB 64GB खरीदा भी था, क्योंकि उसकी सेल मेरे सबसे 1-1.5 महीने बाद आई थी, उस टाइम शायद किसी ने लिया हो, अगर लिया हो तो मुझे पोल में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसकी बात की जाए तो ओप्पो, जी हाँ ओप्पो का भी स्मार्ट टैग आ रहा है, अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपने स्मार्ट टैग लॉन्च किए थे तो ओप्पो भी अपने स्मार्ट टैग लॉन्च कर रहा है। लेट्स गो डिजिटल ने ये पोस्ट किया था और ये हो सकता है फाइंड एक्स के साथ लॉन्च हो जाए, फाइंड X3। तो देखते हैं कब तक आता है, ओप्पो के सस्ते होंगे, सैमसंग तो आपको पता ही है सैमसंग है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग की आ रही है सैमसंग M62 और F62, ब्लूटूथ सर्टिफिकेट में सामने आया है, कहने सैमसंग F62 में होगा Exynos 9825 वाला प्रोसेसर, तो ये हगने वाला फ़ोन होगा, मुझे कुछ उम्मीदें नहीं है मगर भाई सैमसंग है, दिख ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी सैमसंग की आ रही है, सैमसंग का भी एक पेटेंट सामने है डुअल स्लाइडर स्मार्टफोन, ये कई हाई लेवल का फ़ोन होगा, मतलब 1.5-2-3 लाख रुपए का फ़ोन, और लेट्स गो डिजिटल ने डाला था, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ी बड़ी S21 अल्ट्रा की तरह कैमरा लेआउट बैक में आएगा और फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मगर बजट पैसे की कमी होने के कारण हम इसको नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जो सैमसंग का एक रग्ड फ़ोन, जी हाँ X इज़ द फ्यूचर, आजकल माधव सेठ जी बहुत कह रहे हैं, तो सैमसंग भी अपना X कवर 5 लेके आ रहा है। ये एक बेसिक फ़ोन होगा, गीगबेंच पे स्कोर आया है 182 सिंगल कोर, मल्टी कोर 1100, एक्जीनोस 850 वाला चिपसेट होगा, रगड फ़ोन है, आप इसको दीवार पे मारो, किसी के सिर पे मारो, किसी के घर पे मारो, सब कुछ तोड़ देगा मगर फ़ोन नहीं टूटेगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी वेट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में तो शायद ही इम्पोर्ट ही करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए नूबिया, कल की टेक न्यूज़ में मैंने बताया था, आज रात अर्ली मॉर्निंग की टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि नूबिया एक अपना नया फ़ोन या लॉन्च कर सकता है या कुछ बता सकता है, तो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की नूबिया रेड मैजिक 6, चाइना में 6 ऐसे कहते हैं, ये वाला 6 कहते हैं इसको, तो मेरे को भी आदत है। तो रेड मैजिक 6 Tencent गेमिंग के साथ कोलैब करके लॉन्च करेंगे, कह रहे हैं इसमें स्नैपड्रैगन 888 होगा, 120 वॉट का चार्जर मिलेगा, कमाल हो जाएगा, 4500 mAh की बैटरी होगी, तो देखते हैं ये गेमिंग फ़ोन मेरे हिसाब से फैब में आएगा, जब भी आएगा मैं कंफर्म नहीं कह सकता मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा या नहीं करूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जब मीट बैंड 6 की थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको लीक्स दिए थे कि ये जैप ऐप में सब कुछ लीक हो गया है, इसका कह रहे हैं जून में, ये जून के पास लॉन्च करेंगे और इसकी प्राइस नियर अबाउट $40 होगी जो नियर अबाउट बनती है 2900 रुपये के पास, और इंडिया में आप लगाओ फिर 3000 से ऊपर ही आएगा। इसमें भी दो वेरियंट होंगे, एक NFC एक विदाउट NFC, तो देखते हैं कब तक आता है, जब भी आएगा इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं ले ही आऊँगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई हमारा Redmi K40, जी हाँ Redmi K40 बहुत जल्दी आ सकता है, लिव वेबिंग जी हाँ Redmi के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि K30 अल्ट्रा जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में, रिसेंटली काफ़ी देर होगी वैसे, उसको वो प्रॉपरली चाइना में सेल में नहीं, अभी तक नहीं मिल पा रहा, मतलब आप लेने जाते हो तो ईजिली नहीं मिलता, बहुत ही कश्मोकश, जी हाँ कश्मोकश करके आपको ये लेना पड़ता है फ़ोन। तो मैंने काफ़ी फ़ोन लिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से इंपोर्ट करवाए थे K30 अल्ट्रा,
तो वो कहते नहीं मिल पा रहा, अनफॉर्चुनेटली स्टॉक नहीं था, जो भी था, फलां फलां बुलगाना टमकाना बहाने मारते हैं। तो कहते मगर हम K40 जल्दी लाएंगे जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो मतलब एक तो इसमें डोमेस्टी वाला ही कोई प्रोसेसर होगा, डोमेस्टी 1200, और देखते हैं कब तक आएगा। फेब 17 के पास ये आ सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए, और इसके भी हम काफ़ी फ़ोन बाय ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Realme X7 Pro, जी हाँ, जो इंडिया में आने वाला है 4 तारीख को, आज मलेशिया में लॉन्च हो गया। मलेशिया में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी है, प्राइस रखी है नियर अबाउट 36,000 रुपीज़। जी हाँ, मगर चिंता मत कीजिए, इंडिया में थोड़ा सस्ता होगा, इतना महंगा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ अंडर 30,000 आ जाएगा, तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए। अगर 30,000 से ऊपर हुआ तो मैं अपना एप्पल का एयरपॉड प्रो मैक्स अल्ट्रा गिव अवे कर दूंगा, वरना ये मेरे पास ही रहेगा। जी हाँ, तो 30,000 से अंडर ही आएगा इंडिया में। और कल इसकी अनाउंसमेंट भी माधव सेठ जी कर देंगे, उन्होंने अब ट्विटर पे कहा है कि चिंता मत करो, कल ऑफिशियली हम बता देंगे कब लॉन्च होगा। 4 फरवरी ऑलमोस्ट 99.9% कन्फर्म है। जी हाँ, और नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Mi 10, जी हाँ, कल या परसों मैंने बताया था Mi 10 भी अपना एक स्नैपड्रैगन 870 के साथ लेके आ रहा है, और ये जल्द ही ये ग्लोबली भी आएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि अगर मोटोरोला 870 ला सकता है 23,000 में, तो शाओमी तो 20,000 में ला सकता है, रियली काफ़ी बढ़िया होगा। और शायद पोको, हमारा पोको मोको टोको, हमारा पोको मोको सबको ठोको, अगर इसको रीब्रांड कर दे तो रियली पोको F2 का ये प्रॉपरली वर्जन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगर मी 10 चाइना में स्नैपड्रैगन 870 पहले लॉन्च हुआ तो हम वहाँ से ले लेंगे, अगर दुबई में हुआ तो हम वहाँ से ले लेंगे, अगर इंडिया में हुआ तो हम इंडिया में भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में हमें रिव्यू यूनिट तो नहीं मिलता, तो हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय करके इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रेडमी नोट 10, जी हाँ, रेडमी नोट 10 आज FCC सर्टिफिकेट में आ गया। इसमें 4G वेरियंट होगा, 5G वेरियंट होगा, साथ में एक में गैजेट स्टार्टर नाम का एक लीक्सर है, उन्होंने कहा है कि जो इसमें सिंगल पंच होल होगा राइट साइड पे, क्योंकि जो FCC सर्टिफिकेट में आया था उसमें स्क्रीन दिखाई गई थी, स्क्रीन में बैटरी के साइड पे काफ़ी स्पेस है, तो मतलब वहाँ पर आपको पंच होल मिल सकेगा। तो ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ गैजेट्स टाटा के नाम, तो ज़रूर जाइए उनके ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कीजिए कि हमें वो ऐसे ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ देते रहे। वैसे रियलमी एक्स सेवन प्रो की डेट की भी उन्होंने ही लीक सबसे पहले दी थी एक्सक्लूसिवली। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आज मॉर्निंग में भी एक वीडियो डाली थी भाई परफॉर्मेंस टेस्ट काफ़ी प्रोसेसर्स की, तो भाई वो भी जाके देख लो और अपना लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।